अबे साले सॉरी सॉरी सॉरी। तो आज हम लोग को मिलने वाला है कैरियोस कैरेक्टर। तो आज हम कैरियोस कैरेक्टर का ऐसा स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्किल कॉम्बिनेशन अगर आप अपने गेम में यूज़ करेंगे तो आप अपना गेम में हर मैच आपका वो गेम बुआ होगा। अगर वो CSO और BR हो, BR का तो मैं अगला वीडियो में लाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं CS का एबिलिटीज़ के बारे में बात करूंगा, स्किल्स के बारे में बात करूंगा कि आप कैरियोस के साथ कौन कौन सा स्किल कॉम्बिनेशन यूज़ करें जो आप ओवर पावर्ड हो जाए। आप अगर ये वीडियो में आए हैं तो आपको निराश नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कैरियोस कैरेक्टर को हम लोग क्लेम कर लेते हैं और चलते हैं अभी उसके स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आपको तो हम पहले कैरियोस कैरेक्टर का एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत जिनको एबिलिटी के बारे में पता नहीं है और जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो कैरियोस कैरेक्टर का एबिलिटी मैं बड़ी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आपका एक डिफेंसिव मोड होता है जो आपको 2 EP हर सेकंड आपको प्रोवाइड करेगा। और हाँ, जब इसका EP फुल हो जाएगा तब इसका एक एक्टिव मोड आप बोल सकते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका जो वेस्ट अपोनेंट का जो वेस्ट है उसका मतलब डैमेज, जो वेस्ट का जो एबिलिटी होता है वो कम हो जाएगा और आपका डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, कोई यूट्यूबर आपको बोला नहीं है, पर ये मैं बोलूँ कि ये एक कैरेक्टर ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। आप अगर के कैरेक्टर को जानते हैं जो आपको 3 EP देता है, तो वो इसी का छोटा भाई है, क्योंकि ये पैसिव स्किल में आपको EP देता है। तो आप इसको बहुत सारे कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं और आप ये हम आपको एक स्किल कॉम्बिनेशन ऐसा बोलेंगे जिसमें ये आपको बड़ी सुविधा देगा और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बड़ी ओवर पावर्ड रहेगा। तो अभी आपको फर्स्ट लॉट में आया हाथों को रख लेना है, क्योंकि आहातों कंपलसरी है, क्योंकि वो जब भी आप सामने से कोई मारता और आपका HP लो होगा तो वो डैमेज को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। और सेकंड में एक्टिव एबिलिटी रखना सेकंड स्लॉट में ओरियन का, आपको पता ही है वो EP से ही चलता है। और थर्ड में आपको रखना है मिगुइल, क्योंकि वो आप कहीं भी एलिमिनेशन के बाद 200 HP देगा नॉकडाउन के बाद। तो आप समझ ही सकते हैं कैसे ओवर पावर्ड रहेगा। और हाँ, आपको एजेंट्स मतलब आपको जो पेट स्किल में वो एजेंट्स का जो रैबिट होता है ना, वो जो आपको हर स्विंग होता है तब आपको 50 EP करके देगा। तो आपको सब साइड से EP मिलेगा और आपका ओरियन आप एक मैच में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं आगे गेम प्ले में दिखाऊंगा कि मैं एक मैच में 2-2 बार ओरियन यूज़ कर पाया था बिना कोई एलिमिनेशन के। तो मैच स्टार्ट हो चुका है और आपका हमेशा भी अगर कोई स्क्वाड के साथ खेलता है तो आप अपना स्क्वाड को बोलिएगा बॉनफायर लेके आने, और आप भी लेके आइएगा बॉनफायर। मैं तो नहीं लेके आया, क्योंकि आप बॉनफायर से बहुत जल्दी अपना एबिलिटी को स्पीड में EP बढ़ा सकते। जैसे मेरा देख सकते हैं, बॉनफायर यूज़ करने के बाद मेरा बहुत जल्दी EP बढ़ गया और मेरा जो ये मोड है ब्रेकर मोड चालू हो चुका है रैक्रॉस का। अभी रश की और इधर बंदा है और बट इसके पास वेस्ट नहीं था इसीलिए मेरा पूरा डैमेज पड़ा है, बट ये बंदा को मैंने इतना मारा ही नहीं, तो ये राउंड तो इजी पीजी निकल जाएगा। और अभी ये राउंड विक्ट्री कराने के बाद अभी हम आ चुके सेकंड राउंड में, और ये राउंड में आप नोटिस करना कि मेरा जो EP है वो ऑटोमेटिकली बॉक्स के अंदर ही बढ़े जा रहा है 2-2 करके। और हाँ, आपका जो आप मार्केट से खरीदते हैं गन, वहाँ से आप मशरूम भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर 3 मशरूम का ऑप्शन रहता है, आप 3 मशरूम खरीद लीजिए। अगर पैसा नहीं रहता तो जैसे मैंने बोला कि आपका टीममेट को आप बॉनफायर लाने के लिए बोल दीजिएगा, वो लोग बॉनफायर चला के आपका क्विक बूस्ट करके आपका EP बढ़ा देगा। तो मेरा भी देख सकते हैं मेरा पूरा फुल है, और अभी मेरा कोई बंदा आ जाएगा सामने तो
तो मैं उसको आराम से, अगर उसके पास वेस्ट होगा तब भी मैं उसको आराम से मार सकता हूँ। अब ये वाला बंदा कहाँ दौड़ दौड़ के जा रहा है भाई, भाई मरता भी नहीं है। इसके पास मैं भी बिना वेस्ट का आया था और मेरा ईपी कम होने का चालू हो गया। ऊपर में एक जोकर बैठा हुआ है और ये मार रहा है नोबड़ा, पक्का नीचे कूदेगा आने के लिए। आ गया भाई, आज का दौर पे ओरियन यूज करता, ओरियन ही यूज होता है भाई, क्रोनो यूज कर रहा है ये बंदा। ऊपर से बंदा कूदेगा, कूदा और खत्म भाई। गधा है लेकिन पूरा डायरेक्ट कूद गया मुंह पे एकदम, वो घर पे भी जा सकता। और मेरा टीममेट को इधर नॉक कर दिया और इधर से भाई बहुत कम एचपी था उसका। और मेरा ओरियस करेक्टर का ब्रेकर एबिलिटी चालू है, देखते हैं मार पाऊंगा लेकिन इसको। ओ भाई व्हाट अ हेडशॉट। तो यही वाले राउंड पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ 2 एलिमिनेशन किया हूँ और 3 बार ओरियन यूज किया। अब बस देखते जाइए। यहाँ पर एक एलिमिनेशन किया मैंने, मतलब नॉक किया, और जोकर को मैं मेरे टीम में मैं फिनिश करने गया, बट उधर से गेन ओम चला रहा है और मैं ओरियन बन गया। ये पहला बार ओरियन बना मैं, ठीक है। अब मैं उधर जो ओम चला रहा है हुकोंग वाला बंदा, उसको मारने जा रहा हूँ। बट ऊपर में भी बंदा है, इसको मैं 2 डैमेज दिया और मेरा आप देख सकते हैं ईपी बहुत कम है। अब मैं रश किया उसके ऊपर, वो ओम चला रहा था, मैं सोचा वन टैप मार जाएगा, पर लगा नहीं उसको और वो हुकोंग बन गया। फिर मैंने उसको मारा। अब मेरा ओरियन का कैरेक्टर चालू हो चुका है ये। अब मैं और एक बार ओरियन बन सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इससे ओम लिया, अब मैं अब उसके ऊपर रश किया वो बंदा जो ऊपर में, तो अभी वो मेरे को ओम मारने की कोशिश किया बट लगा नहीं। अब मैं दूसरी बार ओरियन बना इसके सामने, बट वो दिमाग वाला था, वो भाग गया उधर और मैं यहाँ से भी जोन लूट लिया क्योंकि मेरे पास दोनों लॉन्ग रेंज का गन है। और वो सामने हुकोंग बन के बैठा हुआ है। जोन तो अब मेरे साइड बन चुका है, तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं चले जा रहा हूँ नीचे। अब मैं नीचे आ गया और बंदा मेरे सामने है, बट अब एक चीज़ नोटिस करो, मेरा जो ईपी है वो हल्का हल्का बढ़ रहा है इस कैरेक्टर की वजह से। इसका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। अब आप देखो वो सामने है और मेरा ओरियन का कैरेक्टर फुल हो चुका है, मतलब मेरा 200 पार हो चुका है और मैं तीसरी बार ओरियन बना और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और ये राउंड इस कैरेक्टर की वजह से, क्योरोस के कैरेक्टर के वजह से मैं जीत गया ये वाला राउंड। मेरे टीम एक बंदे को मार रहा है और मैं किल ना चोरी करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने इधर एक किल चोरी कर दिया और दोनों बंदे ऊपर हैं। वो जोकर इधर है और ये सियाना भाग रहा है और इसको भी मैंने नॉक कर दिया है। और देखता हूँ और एक बंदा को मार सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि क्वार्टर तो होगा नहीं। मेरे बंदे ने एक बंदे को मार दिया, मेरे टीममेट ने। ये बंदा ऊपर ही है और वो तो छुपा हुआ, और मैं इधर ओरियन बन के उसके पास गया और उसने डबल बैरल चला और मैंने ख़त्म करके ट्रिपल किल मार के लिया कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।